क्लास सिक्स एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें ना हमने मैच करना है। तो पहला ये 35 दिया हुआ, देखो इसका क्या आएगा। 35 किसका मल्टीपल है? 7 का मल्टीपल है। कैसे? क्योंकि अगर आप 7 का टेबल पढ़ते हो तो 7 के टेबल में 35 आता है ना, 7 5s are 35 होता है। तो इसलिए 35 जो है वो किसका मल्टीपल है? 7 का मल्टीपल है। अब आ गया 15, तो 15 किसके साथ मैच करेगा? फैक्टर ऑफ 30 के साथ। कैसे? क्योंकि ये 15 जो है 30 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। 15 जो है 30 को अगर हम 15 से डिवाइड करें तो 15 30 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। तो इसलिए 15 जो है वो 30 का क्या हुआ? फैक्टर हुआ। आ गया 16, तो 16 जो है देखो 8 का मल्टीपल है। कैसे? 8 का टेबल अगर पढ़ना शुरू करो तो 8 के टेबल में 16 आता है ना, तो इसलिए 16 जो है वो क्या हो गया? मल्टीपल ऑफ 8। अभी 20 की बात करते हैं, तो 20 जो है वो क्या, मैच में अगर देखोगे तो किसका फैक्टर है? वो 20 का ही फैक्टर है ये, ठीक है, क्योंकि 20 जो है वो 20 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। उसके बाद आगे देखो 25 जो है ये किसका फैक्टर है? 50 का फैक्टर है। कैसे? 25 जो है एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है 50 को, तो इसलिए ये 25 जो है ये फैक्टर है किसका? 50 का। तो बीच में ये सी वाला जो है ये बच गया, ये किसी का आया ही नहीं है, तो इसको रहने देना है आपने। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या करना है इसमें? आपने 9 के मल्टीपल लिखने हैं, लेकिन 100 तक। 9 के मतलब आपने 9 का टेबल शुरू करना है, 1 से शुरू करना है और 100 के पीछे पीछे रहना है। तो जो रिक्वायर्ड मल्टीपल आएंगे वो देखो कौन से आएंगे। तो इसमें मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ रिक्वायर्ड मल्टीपल, मल्टीपल्स ऑफ 9 आर, वो कौन कौन सा है? एक तो 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4 are 36, 9 5s are 45, फिर उसके बाद 9 6s are कितना होता है? 54। फिर उसके बाद क्या आएगा? 6 तक कर दिया, 9 7s are 63। फिर 9 7 तक हो गया, और 9 8s are कितना होता है? 72। उसके बाद बारी आएगी आगे 9 9s are कितना हो गया? 81। फिर उसके बाद 9 10s are कितना हो गया? 90। फिर 9 11s are कितना हो गया? 99। और अब अगर हम क्या करेंगे, 9 12s are 108 होता है, वो देखो 100 से ऊपर हो गया, तो उसको नहीं आपने लेना। तो 99 तक ही आपके ये मल्टीपल्स आ गए हैं 100 के पीछे पीछे 9 के। तो कौन कौन सा आया? 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 और 99। आगे भी हैं इसके 9 के मल्टीपल, लेकिन आपने क्या 100 के पीछे पीछे ही रहना था, 100 के पीछे पीछे रहना है। अभी 9 12s are करोगे तो वो 100 से बड़ी रकम हो जाएगी, इसलिए उसको नहीं लेना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इसी के साथ ही एक्सरसाइज भी आपकी ख़त्म हो गई है। थैंक यू।